ब्रांडेड कुर्तियों की नेकलाइन देखी है ना, या तो बोट नेक होता है या फिर पाइपिंग वाला गला होता है स्लिट के साथ, या फिर ओवरलैप या फिर कॉलर होता है, बस यहीं तक बात जाती है, इससे ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग होती नहीं है। और इन्हीं सिंपल से नेकलाइन पे बटन, टसल्स, मोती, बीड्स, इस टाइप की ही चीज़ें लगाकर इन्हें बड़ी क्रिएटिव सी लुक दी होती है। तो क्या हमारी कुर्तियों का दिल नहीं है? इन्हें हक नहीं है ब्रांडेड कुर्तियों की तरह अजीबोगरीब चीज़ें नेकलाइन पे लगा के शोखी मारने का? तो बस फिर आज मिलेगा इंसाफ घर की बनाई हुई कुर्तियों को, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई गई हैं बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स जिनसे मिलेंगे ऐसे आइडियाज़ कि हम किस तरह से कुर्ती नेकलाइन को सिंपल और एलिगेंट से लुक दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना हो और प्यारी भी लगे। तो अगर आप अपनी कुर्ती को महंगी और ब्रांडेड कुर्तियों जैसा बनाने का जज्बा रखते हैं, और आपके घर में भी मौजूद है हाफिज सोहन हलवे का वो डब्बा जिसमें होते हैं मोती, सितारे और रंग बिरंगे बटन्स और बीड्स वगैरह, तो बस फिर किसका है ये तुमको इंतज़ार? मेरा चैनल है ना, क्योंकि इस चैनल पे मिलते हैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आइडियाज़ और गैर ज़रूरी मशवरे भी। खैर, बात हो रही थी कुर्ती नेकलाइन की, जिसको बनाने के लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। करना आपने सिर्फ ये है कि आपने ये वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें मौजूद हैं 80+ नेकलाइन के डिज़ाइंस जो सभी एक से बढ़ के एक हैं, और ये इजीली हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि आजकल टसल्स वगैरह की इतनी वैरायटी आई हुई है ना मार्केट में कि दिल करता है कि सारे ही ख़रीद लें। लेकिन अगर आप खुद स्टिचिंग करते हैं ना, तो ये पिक्चर्स देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह की नेकलाइन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इनमें है टसल्स, बीड्स और पर्ल्स, मोती वगैरह, इन्हीं को ही घुमा फिरा के जो है अलग अलग तरह से लगाया हुआ है। हाँ, लेकिन मिरर वाली नेकलाइंस भी बहुत सारी इसमें हैं, और ये मिरर जो हैं ये बने हुए मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये मिरर तो अकेले भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इनका अकेले दिल नहीं लग रहा है तो इनके साथ पर्ल्स ऐड कर दें, या फिर टसल्स ऐड कर दें, या फिर बीड्स वगैरह कुछ भी ऐड किया जा सकता है, और इसको मज़ीद जो है क्रिएटिव नेकलाइन बनाई जा सकती है। और ये जो टसल्स हैं ना, ये भी अलग अलग तरह के मार्केट से मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है अगर हम टसल्स खुद बनाएं, और बहुत तरह के बनाए जा सकते हैं। और इनकी वीडियोस भी जो है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी जो अलग अलग तरह से टसल्स बनाना सिखा रहे होते हैं। इसके अलावा बटन्स के साथ भी पर्ल्स, टसल्स और यही सब चीज़ें घुमा फिरा के लगाई जा सकती हैं। और ये जो एक के बाद एक इतनी सारी पिक्चर्स आ रही हैं ना, इन्हीं में से कोई नेकलाइन अपनी कुर्ती पर बनाएं और उस मासूम का दिल ना दुखाएं। ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होता है कोई आइडिया, इंस्पिरेशन, और ऐसे मौक़ों पर काम आती हैं इस तरह की वीडियोज़ जिनसे मिलते हैं एक से बढ़ के एक नए आइडियाज़। और अगर कोई नेकलाइन अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मेरे इकलौते से प्यारे से मासूम से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफिज़।